नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्टिनेंटल हेल्दी फूड में। मैं हूं गौरव मेहरा। मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार मटन की रेसिपी। तो जो हमारे साथ सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जो शुरू करते हैं। जो मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं, इंडियन मसाले, प्योर देसी, तो इंडियन स्टाइल में ही हम मटन को बना रहे हैं। तरीके से मैं मटन की रेसिपी बना रहा हूँ, बिल्कुल देसी तरीका है बनाने का। इस तरह करने से मीट में मसालों का टेस्ट पूरा पूरा आ जाता है। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है जो डिश हम बना रहे हैं, चिकन की या मटन की, क्योंकि जो मसाले का फ्लेवर है वो इसके बीच में पूरी तरह से आ जाता है। इस करके हम इस स्टाइल से इस रेसिपी को बना रहे हैं ताकि जो खाने वाला मेम्बर है वो पूरा पूरा डिश को इंजॉय करके खाए। इस बचे हुए मसाले को मिक्सी ग्राइंडर की मदद से बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया परफेक्ट पेस्ट बन चुका है। हम यहाँ कढ़ाई में डाल रहे हैं थोड़ा सा देसी घी। देसी घी डालने से मटन की ग्रेवी में बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। अब हम जो पीसी हुई ग्रेवी है डाल दिया है। ग्रेवी को मीडियम आंच पर थोड़ी देर तक पकाएंगे और जो ग्रेवी का बचा हुआ पानी है वो भी हम इसमें डाल देंगे और मीडियम आंच पर पकाते रहेंगे ग्रेवी को। मसाले हमने पहले ही सारे डाले हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कलर के लिए देगी मिर्च। देगी मिर्च से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। ग्रेवी देखने में बहुत ही प्यारी लगेगी। देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे हाफ कुक हुआ मटन, मिक्स कर देंगे ग्रेवी में मटन को, और मीडियम आंच पर आधे घंटे के लिए मटन को पकने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हमने इसको ढक्कन को खोला है, देख सकते हैं मटन देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कुक हो चुका है। इसकी जो ग्रेवी है देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया मटन की रेसिपी। जो ये रेसिपी है बिल्कुल थोड़ी अलग है। तो हम इसको डालेंगे हरा धनिया और ये खाने के लिए तैयार है मटन की रेसिपी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये मटन की देसी रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी तरह की कुकिंग की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल हेल्दी फूड को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।